कार्यक्रम को अंतिम की ओर ले जाते हुए इस कार्यक्रम के जो स्वनाम धन्य हैं, संकाय के प्रमुख हैं, धर्म के आगम के आप प्रसिद्ध आचार्य हैं, और आपका जिस तरह का विद्वत्ता की जो कुशल वो है परिपाटी है, जिस परंपरा से आप आते हैं वह महनीय स्तुत्य है। ऐसे संकाय के प्रमुख हमारे प्रोफेसर कमलेश झा सर, मैं आपको आहूत करता हूं कि आप आएं और हमें आशीर्वचन दें। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे। हमारे सर्वात्मना पूज्य मालवी जी महाराज, जिनके आराध्य भगवान विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और उनके पथ पर चलने वाले हमारे मार्गदर्शक के रूप में सदैव उल्लसित रहने वाले मंच पर सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान गुरुदेव हृदय रंजन शर्मा जी, जो लोग यहाँ आज उपस्थित हुए और विशेष उद्देश्य से इस केंद्र को बढ़ाने के लिए ही दूसरे उपवेशन में अभी पहुंचे हुए हैं, ऐसे बहुत बड़े संस्कृति के आयाम को आगे ले चलने वाले माननीय सुभी दिनेश जी, हम लोगों के ही मध्य जो इस समय विकास के कार्य को हमारे विश्वविद्यालय में देख रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने भारतीय संस्कृति में अपने ज्ञान को, ऊर्जा को और व्यक्तित्व को गढ़ा है, सारा श्रेय वो देते हैं अपने गुरु को, भगवान को, देवी को, पर वो उसको जी रहे हैं। आचारहीनम न पुनंति वेदा, तो आचार चाहिए, उस आचार को जो जी रहे हैं, ऐसे पटेल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनके यशोवर्धन की कामना विश्वनाथ से करता हूं। हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के संयोजक समन्वयक हम लोगों के सामने ही बढ़ने वाले अध्येता से अध्यापक वृत्ति में पहुंचने वाले छोटी वय स्वयं को अर्जुन के रूप में प्रस्तुत किया, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, और उनके सारथी बने हुए श्री कृष्ण वहीं प्राप्त हुए आदरणीय शर्मा जी, ऐसे पार्थ धनुर्धर अपने उपेंद्र जी को मैं बहुत बहुत शुभाशीर्वाद करता हूं और प्रोत्साहित करता हूं। इनका एक ही दोष है, काम ये करते हैं, यश के समय में हम लोगों को खड़ा कर देते हैं। अब इस दोष के लिए मैं क्या करूं, पर है ये दोष इनके अंदर, कुछ न कुछ दोष तो रहेगा, क्योंकि विद्वान को दोषज्ञ कहा, दोष का आधार नहीं कहा, ये दोष के आधार भी बन जाते हैं। अब इस दोष के लिए आप लोग जैसा सोचते हैं, हमारे मध्य जो भट्टराई जी हैं, मैं अपने यहाँ के अध्यापकों को बताता हूं कि ये जो लोग अपने को भट्ट मानते हैं उनके सामने ये स्वयं को राई मानते हैं, पर्वत वो हैं, अहम राई के बराबर हैं, झुकना पड़ता है उनको इनके सामने। आज हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से
जिस दिशा में हमको ले जाना चाहते हैं इनके शब्द हमारे लिए वो अवलंब बन जाते हैं। तो इनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। मध्य में कई ऐसे प्रसंग आए जहां आरंभ तो मंगलाचरण से ही होता है, तो हम लोग एकदम मंगल मूर्ति के मार्ग में आ जाते हैं। और फिर इस तरह से कुलगीत जहां प्राची प्रतीची का मेल सुंदर और उसका अभी यह जो संघटना हो रही है वो अभी उस जागृत रूप में संघटना हो रही है। और जब हमारे मित्र ने ये बताया कि हम न्यायिक प्रक्रिया को जो पूरा का पूरा हजार वर्षों से षड्यंत्र चल रहा था, धराशायी किया जा रहा था हमारी संस्कृति को, हमारी न्याय पद्धति को तो चौपट ही कर दिया। जहां मीमांसक बैठते थे न्याय पद्धति के वो जजमेंट देने के लिए, वहां उसको साफ लुप कर दिया। दाय भाग को जब उठाए तो इस तरह का वैज्ञानिक आज तक कोई विश्लेषण है ही नहीं कहीं प्राप्त, वो हो भी कैसे सकता है। जब हम नव्य न्याय, प्राचीन न्याय, मीमांसा, उत्तर मीमांसा और ये सब कहां से उद्भूत है, तो वेद से। ये सब जो शास्त्र पक्ष है केवल यही नहीं उद्भूत है, जो जीवन है, जो जीवनी है और उसके मूल में जो चेतना है जिसकी चर्चा आदरणीय शर्मा जी कर रहे थे। अभी नवरात्र का समय चल रहा है, मानवता में ही हम प्रतिष्ठित हों पहले यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारी संस्कृति सब वो जो बातें आ रही थी कि कैसे दोषों को मिटाया जाए, तो उसी के लिए संस्कार है। सारे संस्कार जब शिव ही जीव के रूप में नाटक के रूप में आ गए। शिव का स्वरूप क्या है? स्फूर्त। स्फूर्त का मतलब होता है अत्यंत प्राचीन होते हुए भी सदा अभिनव जो हो रहा है प्रत्येक क्षण। क्षण तो बहुत बड़ी बहुत बड़ा घन समय है, उसका टुकड़ा तो इतना स्फीत है, इतना स्फीत है कि उसकी चर्चा अनुभव अनुभूति एक मान आया। वो केवल अनुभव से समझने की चीज है, उसके ऊपर शब्द मौन हो जाता है। तो पहले तो मानवता, मानवता के लिए तमाम संस्कार और सारे संस्कारों के, सारे जजमेंट के, सारी जीवन पद्धति के मूल में चेतना। और वह चेतना, प्रत्येक जीव चेतना के आधार पर ही किसी चीज को स्वीकारता है, किसी चीज को नकारता है और आगे बढ़ता जा रहा है। पर उस चेतना के आधार पर ही उपयोग में आने वाली सारी चीजें हैं। चेतना ना हो, ये माइक है, ये टेबल है, ये टेबल को स्वयं का ज्ञान है क्या? मैं हूं टेबल नहीं समझ रहा है। कोई जो ज्ञान तत्व है, चेतना है, उसके आधार पर टेबल का अस्तित्व है। यह चेतना प्रकाश है विशुद्ध ज्ञान देहाय। एक ज्ञान तो यह है कि हम एक हाल में बैठे हैं, हम सभागार में हैं, हमारे सामने श्रोता है। ये सारे तमाम ज्ञान जो उत्पन्न होते हैं, तो जैसे यह पानी है इसको पीना है, यह खाना है इसको खा लेते हैं, ये ज्ञान, क्या यह ज्ञान चेतना के बिना संभव है? ये जो छोटे छोटे ज्ञान और अनंत प्रकार से ज्ञान अनंत जीवों के साथ में एक ही समय में सुगठित हो रहा है, उसका अखंड एक स्रोत है प्रकाश, जिसको कहा विशुद्ध प्रकाश, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान देहाय। भगवान शिव की उपासना है और वो क्या है? जो विशुद्ध ज्ञान है, जिस ज्ञान के आधार पर संसार की सारी चीजों की स्थिति, सत्ता, अस्तित्व ज्ञात हो, वह है विशुद्ध ज्ञान। और विशुद्ध ज्ञान जिनका विग्रह है,
तो वो कौन सा विशुद्ध ज्ञान है? वह है वेद, और कोई दूसरा विशुद्ध ज्ञान नहीं है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे, ये जो त्रिवेदी है, तीन वेद हमारे यहां तो त्रिवेदी लोग भी हैं, तीन वेदों का अभ्यास करते थे त्रिवेदी, और तीन वेदों का जो समूह, समूह का मतलब क्या हो गया? ज्ञान में एक समूहालंबन ज्ञान न्याय शास्त्र में आता है। समूहालंबन ज्ञान का मतलब है हम पांच लोगों को एक साथ समझते हैं, तो वो एक ज्ञान है, अखंड है। उसमें भी त्रिवेदी जो है यह ऐसा समाहार है, एकत्व रूप में उपस्थित है। त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे, भगवान शिव का जो नेत्र है, यही तीन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, हम जो प्रणाम करने के लिए चले हैं शिव को, उद्देश्य क्या है? कोई भी क्रिया बिना उद्देश्य से नहीं चलती है। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, प्राप्त क्या करना है? श्रेयस, मोक्ष। श्रेयस प्राप्ति, भगवान शिव की वंदना हम क्यों करते हैं? तो वेद, तीन वेद उनकी दृष्टि है, सूर्य, शशि और वह्नि। सूर्य, शशि और वह्नि न किसी गरीब के साथ में वह अपना कम योगदान करता है, और न किसी अमीर के साथ में ज्यादा योगदान करता है। तीन है, विषम नेत्र है भगवान, पर उनकी दृष्टि सम है। ये तीनों ही दृष्टियां, शशि, सूर्य और वह्नि, सबके साथ समता का व्यवहार करता है। तो समता का व्यवहार हम करेंगे तब हमें श्रेयस की प्राप्ति होगी, अन्यथा हम प्रेयस में भटकते रहेंगे और हम कुंठित होते रहेंगे, कभी हम चैन में नहीं आ सकते हैं, शांति में नहीं आ सकते हैं। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, इसलिए श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, का वेद हम किसको समझें? का श्रुति को, श्रुति का क्या मतलब है? दो अर्थ है, जिसको सुना जाता है, बहुत सूक्ष्म चीज है, देखने के लिए स्थूलता अपेक्षित है, सुनने के लिए सूक्ष्म ध्वनि भी, अनाहत ध्वनि भी कबीरदास जी सुनते हैं। श्रुति है, सुनी जा सकती है, श्रोत्रेंद्रिय। भगवान व्यास ने कहा संपूर्ण निगम कल्प तरु का जो फल है, और वो फल क्या है? भागवत है, भागवत है। और कहा फल क्या है? रसमय फल। जूस बनाने के लिए किसी के पास पहुंचना ही पर मशीन नहीं चाहिए, स्वयं रसमय है। और श्रोत्र पेय है, श्रवणांजलि पुट पेयम, हमारे श्रवणों को अंजलि बनाइए, मन एकाग्र हो जाए। दोनों कान हमारे अंजलि बन गए, और जैसे अंजलि में हम रसपान करते हैं, तो श्रोत्रांजलि पुटपेय यह भागवत रस है। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, श्री कहा कि जब शिवदास्य प्राप्त हो जाता है, तो वह चाहता है कि जैसे मुझे शिव का दास बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो कृपा से प्राप्त होता है, साधन से नहीं। देवकी जी ने बहुत तपस्या की, क्या क्या नहीं किया, व्रत, उपासना, तपस, श्री कृष्ण आए, पर प्रकट हुए देवकी माँ के गर्भ से, जहां लक्ष्मी पहुंची, उनके पांव में प्रभु प्रकट होने वाले, प्रभु की मां बनने वाली है, गर्भ में है भगवान श्री कृष्ण, तो पांव में अलकतक लगाने के लिए लक्ष्मी पहुंचती है, और ब्रह्माणी पहुंचती है कि देखें तो इनकी हाथ में कैसी रेखा है, जहां प्रभु गर्भ में आ रहे हैं, प्रभु की मां बन रही है, तो हाथ को नर्म सेवा करते हुए निहारती है मध्य मध्य में,
जो क्या रेखा है। और जो पार्वती है वो तो बड़ी है ना, तो बड़ी हाथ और पांव तो पकड़ेगी नहीं, उनसे कहा गया इनके माथे पर थोड़ा आप आशीर्वचन के लिए हाथ रखिए। तो ललाट आशीर्वाद तो दे रही है, ललाट को निहार रही है, ये यहां क्या रेखा बनी हुई है। इतनी सौभाग्यवती द्रौपदी साधन कर रही है, लेकिन साधन के बल पर प्रकट होने वाले श्री कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे हैं और कृपा यशोदा पर हो जा रही है। स्वयं प्रभु की ओर से कृपा है और वहां नंद घर आनंद भयो, ये शुरू हो जाता है। तो साधन से जब हम चलेंगे और जब कृपा से हमारे ऊपर प्राप्त होगा, अशोक सिंघल को कृपा से वेद रक्षा का दायित्व प्राप्त हो गया, ये भगवान की कृपा है, वेद भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई, आज उनके पीछे हमारी पूरी सत्ता चल रही है। किस तरह से जिसके ऊपर कृपा से वेद भगवान पहुंचे और संकल्प दिए, उनकी वाणी को हम कैसे साकार करें, आज हम लोग श्रवण कर रहे थे और हम दर्शन कर रहे हैं कि कैसे कहा पटेल जी ने, विभाग में होना ना होना एक संजोग की बात है, मैं जहां रहूंगा जल को जमीन को और जंगल को उसी में मैं भटकूंगा, मेरा भटकना मेरा टहलना मेरा भ्रमण होगा तो इसी में होगा। प्रकृति के एक कण में कितनी ताकत है, इसको विश्व को आज दिखा दिया गया और उसके बाद से सारा विश्व भारत को गुरु माने क्यों माने के ऊहा पोह से निकलकर आ गया, भारत सचमुच गुरु है और इसकी शरण में जाना है। जिसके कारण से गुरु है वह है वेद भगवान, और उस वेद भगवान से निकले हुए जो शास्त्र है और उन शास्त्रों से जो जीवन चल रहा है और वो जो जीवन पद्धति है वही है भारतीय संस्कृति, और उसी भारतीय संस्कृति को एक नाम दिया गया मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हिंदू दृष्टि, हिंदू संस्कृति। यह हिंदू के लिए नहीं है, यह संपूर्ण मानवता के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, यह तो विश्वनाथ के लिए है, यह वेद के लिए है, यह पूरी सृष्टि के लिए है। यह स्थिति आज सारे विश्व को समझ में आई है। इंद्र से भी अपने को छोटा बना लेना नारायण का स्वभाव होता है। जब भी कोई बड़ा काम करना हो, उपेंद्र जी बड़े बड़े जो अध्यक्ष ये वो सबको कहा कि भैया हम तो आपसे छोटे हैं, आप इंद्र हैं मैं उपेंद्र, लेकिन काम तो कर दे दीजिए आप। हम पुनः पुनः मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में अपनी बात करते हैं, जो श्री कृष्ण की तरह दो पग पीछे हटना पड़े, दो पग पीछे की क्या बात है, भागते जा रहे हैं हम आपके सामने कौन से ठहरने वाले हैं, हमको प्राण बचाना है, अस्तित्व में रहना है, भाग करके चले गए समुद्र में गुजरात। आज गुजरात प्रधानमंत्री दे रहा है, जहां समुद्र में जाकर छिपे थे लगता है वही निकलकर आज संपूर्ण भारत का पहला सेवक, सबसे बड़ा सेवक तैयार है, जो सारी विश्व में भारतीय संस्कृति क्या है उसका पालन भी कर रहा हो और उसको बता भी रहा हो। हमारे जो यहाँ के लोग विदेश में हैं, वह भारतीय संस्कृति के लिए जितना तड़प रहे हैं, हमारे पास जल रखा हुआ है तो प्यास कम लगती है, और जल नहीं है तो वहां से लोग देख रहे हैं जो प्यास यहाँ है यहाँ जल रखा हुआ। भारत में लोग अभी भी पक्ष विपक्ष, जो अच्छी चीज है, जब यहाँ पर जो आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था उसमें हे भाव कहां से आ गया, कहीं से हे भाव था नहीं, पर हम दूसरों दूसरों के मुट्ठी में अपने ऊपर शासन करने के लिए अवसर देते चले गए। हम अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, हम भारत के शासक आपस में इस तरह चलो इसको तो सताया अच्छा किया, हमसे ये नहीं हो रहा था। इस तरह से जलते भुनते हुए हम दूसरे के हाथ में स्वयं चले गए
और उस चले जाने के बाद जो जो दुर्दशा होनी चाहिए कम हुई है, जो आज भारत में देखी जा रही है दुर्वस्था। इसलिए मध्य मध्य में आचार्यों ने, जो वेद के अध्येता थे, संत थे, उन्होंने मार्ग दिया कि यदि कहीं से गाय चराने वाले को वेद नहीं सुनने दिया जाएगा, घर में दिन भर काम करने वाली महिला को वेद नहीं सुनने दिया जाएगा, फिर से उन्होंने कहा कि कोई रास्ता तो धीरे धीरे निकालो। कहा यज्ञोपवीत धारण कर लो तो माता आनंदमयी आश्रम में आनंदमयी माँ ने यज्ञोपवीत कराया महिलाओं को, और उन्होंने वेद पढ़वाया। और हमारे गांव में जो गाय चराते थे यादव जी, वहां जाकर संतों ने उनको यज्ञोपवीत पढ़वाया, पहनवाया, और हमारे गांव के पाठशाला में वो आचार्य हुए, अध्यापक हैं और वेद के प्रति निष्ठावान हैं। तो इस तरह से यदि हम लोगों को भी कुछ करना पड़े तो यह भी एक क्रम अपनाया जाना चाहिए, जो जिज्ञासु है वो इस पद्धति से आकर के पढ़े, आगे बढ़कर के चले। तो ये सारी बातें हैं। नमः सोमार्धधारी है, हम सोमार्धधारी को प्रणाम करते हैं। जयतु विश्वनाथः, जयतु जगदम्बा, जयतु संस्कृतम्, जयतु वेदः। Thank you.